दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज मैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पे आपके साथ बात करने वाला हूं। बहुत सारे लोग या बहुत सारे मरीज ये सवाल करते हैं जब उनकी सर्जरी होती है कि हम एक तो कब काम पे वापस लौट सकते हैं, कब हम जिम जाना शुरू कर सकते हैं, कब हम साइकिलिंग या वॉक कर सकते हैं, कितने दिनों तक हमें बिस्तर पर आराम करना चाहिए और वो कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो एक सर्जरी के बाद लेनी चाहिए। देखिए, ये ज़रूरी भी है ये सारे सवाल, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपकी सर्जरी के बाद जो सर्जरी का आउटकम है वो भी इम्पैक्ट करता है और आपकी ओवरऑल जो सेहत है, जो स्वास्थ्य है, उसको भी ये इम्पैक्ट करता है। जब भी आपको डॉक्टर अस्पताल से छुट्टी करता है तो वो कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखता है डिस्चार्ज समरी में कि आपको कब कौन सी दवाई खानी है, और उसके साथ साथ दूसरी इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है और किस हालत में आपको अपने डॉक्टर को या इमरजेंसी में संपर्क करना है। तो उन चीज़ों को भी बहुत ध्यान से पढ़ लें और समझ लें। किसी भी सर्जरी के बाद अगर आपका पेट फूलने लगे, पेट में दर्द होता है, बुखार आने लगे, आपके जख्म पे पस आने लगे या आपको कोई दूसरे अनयूजुअल सिम्टम्स आने लगे, तो ऐसी हालत में तो आपको फटाफट इमरजेंसी में जाना होता है और अपने डॉक्टर से संपर्क करना होता है। अब अगर आप घर डिस्चार्ज होकर आ ही गए हैं, धीरे धीरे आपकी रिकवरी हो रही है, तो देखिए पहले हफ्ते में आपको तरल पदार्थों का ही इस्तेमाल करना चाहिए खाने पीने में, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सवाल आता है कि हम कब नॉर्मल भोजन कर सकते हैं, कितने दिनों हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। पहले हफ्ते में आप तरल भोजन खाएं, दाल पी लें, दाल का पानी पी लें, मांड पी लें, ऐसा भोजन खाएं जो आसानी से पच जाए, और ख़ास तौर से अगर आपकी सर्जरी एब्डोमेन पे हुई है तब तो ये करना बहुत ज़रूरी या लाजमी हो जाता है। दूसरे हफ्ते के बाद आप थोड़ा सा सॉफ्ट डाइट पे आ सकते हैं और फिर धीरे धीरे करके तो 3 से 4 हफ्ते बीत जाएँ तो आप अपनी नॉर्मल डाइट पे आ सकते हैं। फिर भी कोशिश करें कि ऐसा भोजन ना करें जिसके खाने से आपको खांसी वगैरह आ जाए या पेट खराब होने का डर रहे। तो ये तो हो गई खाने पीने की बात। बात अब करते हैं कि अब आप घर से बाहर कब जा सकते हैं। बेहतर यही होगा आप घर पे आने के बाद, जब भी आपको घर पे छुट्टी मिलती है अस्पताल से, नॉर्मल घर पे बिस्तर से उतर के घर में थोड़ा बहुत जरूर टहल लें। इससे रिकवरी अच्छी होती है। डिपेंडिंग ऑन आपको सर्जरी कौन सी है, आपको डॉक्टर ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको ध्यान में रखते हैं। लेकिन घर से बाहर एक हफ्ते तक बिल्कुल ना निकले जब तक आपका वुंड पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए और वुंड क्लीन रहना चाहिए। एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग कराना चाहिए। आप हो सके तो या तो अस्पताल में जाकर ड्रेसिंग कराएं या अपने घर पे किसी क्वालिफाइड नर्स को बुला के जो अच्छे एंटीसेप्टिक टेक्निक से वो ड्रेसिंग कर सके वो कर लें। एक हफ्ता तो ज़रूरी है कि आप घर में बेड रेस्ट करें। घर में उठना बैठना, टीवी देखना, सोफे पर बैठना, ये सब नॉर्मल चीज़। दूसरे हफ्ते में आप चाहें तो हल्की फुल्की घर से बाहर निकल के वॉक कर सकते हैं, लेकिन कोई भी वजन ना उठाएं, वेट लिफ्टिंग बिल्कुल ना करें, साइकिलिंग ना करें और कोशिश करें कि आप स्टेयर्स भी ना चढ़ें दो हफ्ते। तीसरे हफ्ते के बाद आप आराम से चेयर पर बैठ सकते हैं, आप कंप्यूटर पर अपना काम कर सकते हैं, ऑफिस वर्क कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपके एब्डोमेन पे जो आपका एरिया है जहाँ पे आपकी सर्जरी हुई है उस पर कोई खिंचाव ना पड़े, भार ना पड़े, वजन आपको अभी भी नहीं उठाना। जब आपके 4 हफ्ते हो जाते हैं तो अब आप वॉक के लिए तो बिल्कुल आप नॉर्मली जा सकते हैं, क्योंकि उस समय तक आपका वुंड पूरी तरीके से ठीक हो गया होगा। वॉक भी आप बहुत ज़्यादा ब्रिस्क वॉक या रनिंग ना करें, सिंपल आप हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं। इस स्टेज पे भी आपको साइकिलिंग अभी नहीं करनी है, जिम अभी नहीं करना है, वजन आपको नहीं उठाना है या कोई भी आउटडोर गेम नहीं खेलना है। कोई भी आउटडोर गेम खेलने के लिए आपको कम से कम 2 महीने का इंतजार करना है जो हल्के फुल्के आउटडोर गेम्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़ता हो। 2 महीने के बाद आप हल्की फुल्की ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, धीरे धीरे आप साइकिल भी चला सकते हैं और 3 से 4 महीने के बाद आप ये सोच सकते हैं कि अब आप नॉर्मल हो गए और आप सारे काम अपने कर सकते हैं। लेकिन अभी भी आप अगर आप जिम जाते हैं तो कृपया करके आप वेट ना उठाएं, वजन ना उठाएं, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको एक्सरसाइज करनी भी है तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें जिससे आपके उस एरिया पे प्रेशर ना पड़े जहां पे आपकी सर्जरी हुई है। आपको जिम जाने के लिए कम से कम 6 महीने का वेट करना है, वो भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज के लिए, और जो आपको हैवी ड्यूटी एक्सरसाइज करनी होती है, नॉर्मल एक्सरसाइज करनी होती है, उसके लिए आपको कम से कम 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। एक बात और आती है खासतौर से फीमेल बहनों की तरफ से कि हम अगर सर्जरी हुई है एब्डोमेन पे तो कितने दिनों के बाद हम प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। तो उसमें भी देखिए, आप किसी भी एब्डोमेन की सर्जरी के बाद कम से कम 1 साल का इंतज़ार करें, हो सके तो 2 साल का गैप दें, क्योंकि आपकी एब्डोमेन की मसल अगर स्ट्रेंथ हो जाएंगी तो आपको रिस्क कम हो जाएगा। अदरवाइज़ कई बार जो सर्जिकल साइट है वहाँ से हर्निया होने का या दूसरे रिस्कों का, तो दूसरी तरह के रिस्क का खतरा बढ़ जाता है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थी और कुछ आपके सवालों के जवाब थे जो आई एम श्योर आपको मिल गए होंगे।
और इससे आप अपने आप को बड़े होने वाले नुकसानों से बचा के रख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर दूसरे लोगों से शेयर करें, और अगर और कुछ आपके सवाल हैं तो कमेंट करके जरूर पूछ लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्प इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।